दोस्तों आज हम आपको अमावस्या से जुड़ा वह खास उपाय बताने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है जो धन से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं। इस उपाय से 24 घंटे के अंदर आप असर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध के दौरान पितरों की पूजा करना विधान है। इस समय लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। दोस्तों आज यानी शनिवार के दिन श्राद्ध समाप्ति की ओर है और आज 28 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या भी है, जिससे आज के दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। खास बात तो यह है कि लगभग 20 साल बाद आज के दिन सर्व पितृ अमावस्या और शनि अमावस्या मिलकर एक ऐसा खास संयोग बना रही है जिस संयोग में किसी भी प्रकार की पूजा, किसी भी प्रकार का उपाय करने से उसका कई गुना लाभ मिलता है। इससे पहले ऐसा 1999 में यानी इस प्रकार का संयोग बना हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस संयोग में पितरों की विदाई करने से उनके वंशजों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा इस दिन यदि अमावस्या से संबंधित खास उपाय किए जाए तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसी मान्यता है कि पितृ अमावस्या के दिन यदि आप पितृदेव से संबंधित उस उपाय को करे तो आपको अमोघ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही इस दिन राहु से संबंधित तमाम बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। जो उपाय आज हम आपको बता रहे हैं यह विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन से संबंधित समस्या से परेशान हैं। जैसे घर में पैसों की समस्या अक्सर बनी रहती है, घर में पैसा नहीं टिकता या आपके ऊपर कर्ज हो तो इस उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इस उपाय को आपको आज शाम के समय करना है। आपको आटे की सहायता से 4 मुखा दीपक बनाना है को घी की सहायता से ही आप प्रज्वलित करें। अब इस आटे के दिए को लेकर अपने घर के ही किसी आसपास के पीपल के पेड़ के पास आप चले जाए। सबसे पहले पीपल के नीचे आपको धूप दीप जलाना है। ध्यान रखें आप उस आटे के दिए का इस्तेमाल पीपल की पूजा के लिए ना करें जो आपने 4 मुखा बनाया था। दोस्तों आपको पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करनी है और अपने पितृदेव का ध्यान करते हुए 11 बार पितृदेव से संबंधित आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र है दोस्तों ओम सर्व पितृभ्य नमः। परिक्रमा पूर्ण हो जाने के पश्चात आप सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़ ये मनोकामना भगवान से करें कि हे भगवान मेरे पितृदेव जहाँ कहीं भी हैं भगवान आप उनके आत्मा को शांति दे। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना भगवान को बोलनी है। अब आप किसी भी सुनसान चौराहे पर चले जाएं, वहाँ आपको उस आटे के दीपक को छोड़ना है प्रज्वलित करते हुए, यानी उसे जलाकर आपको वहाँ पे छोड़ना है और हाथ जोड़ते हुए बोलना है कि हे पितृदेव मैं अब आपको विदा करता हूँ। हे पितृदेव मैं धन से जुड़ी समस्या से दुखी हूँ, इसलिए जाते जाते आप मेरी यह दरिद्रता भी दूर ले जाएं। और अब अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए पीछे मुड़ जाएं और अपने घर की तरफ चल दें और ध्यान रखें कि आप पीछे मुड़कर उस दिए को ना देखें। दोस्तों इस उपाय मात्र से आपकी सारी धन से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी तथा सुख संपत्ति एवं ऐश्वर्य आपके घर होगा, आपका परिवार सुखी संपन्न होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।